सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी धमाके को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जानवी, क्लाइमेक्स वाज समथिंग वेरी अनप्रेडिक्टेबल एक्चुअली, लोगों को पसंद भी आया, तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट थिंग एंड फैक्ट लाइक यू नो टू उस पे कितना वर्क किया था और हाउ डिड यू एक्चुअली कम अप विद दैट थिंग? जी एक्चुअली वो जो थॉट था वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से था। इनफैक्ट वो मैंने करण को, जब करण ने मुझे पूछा कि तुम ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हो, तभी मैंने उनके साथ वो एंड डिस्कस किया था। वो मेरे लिए जिस रीजन में ये कैरेक्टर सेट हैं और जिस तरह से कहानी फ्लो हो रही थी वो सबसे लॉजिकल और सबसे करेक्ट एंड था। तो आई थिंक जब एक बार करण ने मुझे कह दिया कि ही इज़ ऑन बोर्ड विद दैट, फिर मेरे लिए वो ज़्यादा टफ नहीं था। और जो उसका एग्जीक्यूशन था, because it was a one shot, I don't want to say more in detail क्योंकि काफ़ी लोग I'm hoping अभी भी फिल्म देखने जाएंगे second और third week में, तो वो करने में हमें बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट वो दैट वॉज द फर्स्ट शॉट दैट आई डिस्कस्ड विथ माई डी ओ पी मिस्टर विष्णु राव। वो पहला शॉट था जो हमने डिज़ाइन किया था, बट इट वॉज द लास्ट शॉट ऑफ द फिल्म बी शॉट। तो मेरे लिए वो इमोशनली बहुत करेक्ट था, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट था वो। और जिस कैरेक्टर्स पे हम की कहानी हम बता रहे हैं उनके हिसाब से वो बहुत लॉजिकली करेक्ट था। तो इट इज़ समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ इन टर्म्स ऑफ उसका जो मैसेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी रियलिटी है जो वो दर्शा रही है वो बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकली भी जो हमने अचीव किया है उसके साथ आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी विद द वे इट्स टर्न्ड आउट। जानवी थर्सडे नाइट स्क्रीनिंग आज भी थर्सडे नाइट है, लेकिन एक हफ्ते पहले कुछ और थर्सडे नाइट था। थर्सडे नाइट को क्या किया? स्क्रीनिंग थी फिल्म की, द लास्ट स्क्रीनिंग वाज ऑन थर्सडे विद जी हां, एक आध इंटरव्यू थे उससे पहले और उसके बाद स्क्रीनिंग थी, तो हम काम ही कर रहे थे मैम। या हमारा उस दिन हमारे कुछ इंटरव्यू रिलेटेड थे, उसके बाद हमें फिल्म की स्क्रीनिंग देखनी थी और उस दिन गुरुवार को हमारी फैमिली देख रही थी फिल्म, तो हम काफी नर्वस भी थे। एक्जेक्टली बताऊंगा, ये दोनों इतने ज्यादा नर्वस थे कि जब हमारी स्क्रीनिंग चल रही थी ये छुप के जाके फर्स्ट टू सीट्स पे ऐसे बैठ रहे थे और इंटरवल में दे वांट मूविंग, और ये इंटरवल पे टर्न अराउंड भी नहीं कर रहे थे ताकि लोग उनको पहचान ले या देख ले, वो सिर्फ ऐसे बैठे थे और फिर झुक के टर्न करके देख रहे थे कि कैसा लग रहा है सबके रिएक्शंस। आई थिंक थर्सडे इनका ऐसा ही कुछ गुजरा है। या जानवी, या योर क्लाइमैक्स सीन हैज लेफ्ट द ऑडियंस स्पीचलेस, यू नो एवरीवन गोज आउट विद अ हैंगओवर एंड यू नो फॉर मिनट्स, यू नो टिल दे एक्चुअली कम आउट ऑफ द ऑडिटोरियम यू हार्डली सी पीपल टॉकिंग। So I want you to share what was the prep you went, because it was a very demanding and very intense scene, you know, where there is a silent scream and, you know, it's really very impactful. So what was it that you had to go through or prepare for the scene? So I don't know how to answer this question without giving away aspects of the ending. But the only thing I want to say is I had Shashank with me to guide me, and I think that all of us, by that point, because it was the last thing that we shot, we were very invested in our characters and there was a genuine sense of attachment. I mean, I hope this doesn't sound arrogant, lekin zyada acting nahi karni padi kyunki feeling hum sab ke liye pure film mein actually bahut real tha har moment mein. और एट दिस स्टेज आई वुड ऑल्सो जस्ट लाइक टू थैंक एवरीवन, आप लोग सब ने, जितने भी लोगों ने रिव्यूज भी दिए हैं, किसी ने स्पॉयलर में एंड नहीं बताया, तो रियल थैंक यू टू ऑल द मीडिया पीपल एंड एवरीवन आउट देयर दैट रियली अप्रिशिएट। हम लोग बहुत डरे हुए थे कि कहीं ना कहीं वो एंड बाहर नहीं आ जाए, बट रियली थैंक यू एवरीवन। करण एंड शशांक, बोथ ऑफ यू लाइक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइस वर नर्वस दैट यू आर अडैप्टिंग अ फिल्म व्हिच इज अ फिनोमिनल सक्सेस? And now when you see the figures, the collections, what's the feeling like? I wasn't nervous, I was petrified. I was totally, and I still am. Because I think that every time you touch a piece of art and recreate it and adapt it, there is always a monumental fear that, you know, you're, but I never look at it like that. I always say the same thing, and I've said it time and again. This is not
any way meant to be compared to Sai Rat. It is a homage. It is a fanboy's homage to the original source material. So if making Dharak is wrong, then so is every fan in the world for every great piece of art. We're all fans. We paid a homage in a language that hadn't probably seen Sai Rat. And we wanted, in fact, I see so many people going back to watch Sai Rat now after they've seen Dharak. And that is an achievement of an homage or of a fan. You cannot ever compare to the brilliance of that. Amazing, because he conceived it, he wrote it, executed it. We are just big fans of that film. And if we have at all, as I've said repeatedly, upset anyone, we apologize. But we are also grateful to all the love. So it's a blend of emotions and a mixture of feelings that we go through right now. But mainly at its core and its heart, it's a scream of a fan. That's what Dharak is. Ishan and Janvi. Now, Ishan, you have done two films that are interesting, two semi-realistic films you go to see. So going forward, the approach what you guys would take in your career, like the kind of films and the filmmakers you would like to work with. It depends what comes our way, no? I don't know yet. No, I think it largely depends, ma'am, on the kind of opportunities we get. But I think the most exciting thing as an actor is that you get to explore various kinds of films, various different narratives, work with new minds, with different fresh perspectives. So I think our job as an actor is to adapt to the world of the film and to completely, you know, just blend in. And I enjoyed thoroughly both the films that I've been blessed enough to be a part of. I think the new order today, if you see so many debuts made in the recent past, it's no longer like the debuts made of the year, where films were like launch pads, where lead actors, actresses were meant to do everything, dance, sing, emote, fight. It was like more like you were making some kind of a showreel rather than a film. But I think with recent talent you've seen, with everyone's coming out with unusual beginnings and, you know, as you said, more real films. And I think that's the new order of cinema in any case, to capture reality with the best talent. Shashank, we have two questions left, ladies Shashank, and gentlemen. Shashank, Janvi here. Climax pe kafi baatein ho rahi hain. आपने भी कहा कि आपने क्लाइमेक्स पहले लिखा अगर हम कयामत से कयामत रामलीला सब में देखें तो जो ऑनर किलिंग का मुद्दा है जिस पर आपने बहुत रिसर्च किया है ये हमें बताया था उस पर जितनी भी फिल्में बनी हैं उसमें एक दिखा दिया गया है कि या तो सुसाइड किया उन्होंने या फिर उनका मर्डर कर दिया गया क्या आपको नहीं लगता कि उसके आगे बढ़कर उसका जो डरावना थिंग है जो भयानक चीज आपने दिखाई उसका जिन लोगों ने किया है उनका भी कुछ रिएक्शन दिखाना चाहिए कि नहीं ये गलत है और आपको इसकी मैम जो गलत है जो जिस कारण से हमने दिखाया है और जो एंड में हमने स्लेट डाला है वो हमारा पर्सपेक्टिव दर्शाता है जैसा कि हमने कहा जो हमारा सोर्स मटेरियल है जो ओरिजिनल है वो भी हम एक ऐसे एंड पे छोड़ता है कि जहाँ पर उसने आपको जवाब नहीं दिया है आपको सोचने पर मजबूर किया है कि ये कहानी है ये कहानी का अंत है हर कहानी का अंत अलग होता है अब उसका क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबको सोचने की ज़रूरत है अगर आप न्यूज़पेपर्स उठाएं आसपास आप रोज़ आज का न्यूज़पेपर भी आप उठाएंगे ऐसी घटनाएं रोज़ घट रही हैं उसका कोई अंत नहीं है उसका कोई जवाब नहीं है ना मेरे पास कोई जवाब है कि ये बंद कैसे हो सकता है या ख़त्म कैसे हो सकता है ये फिल्म और जो हम मैसेज देना चाहते हैं ये उसकी निंदा ही है हम कहना चाहते हैं कि ये गलत है पर I don't know उसका एंड क्या होना चाहिए हाउ कैन वी स्टॉप इट ये जवाब हम सभी ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक जो पूरी पिक्चर का पर्सपेक्टिव है जो हमारे एंड स्लेट का पर्सपेक्टिव है इट इज जस्ट टू ब्रिंग आउट द रियलिटी टू यू एंड टू लीव पीपल विद द थॉट कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग और अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वी हैव जस्ट वन क्वेश्चन लेफ्ट लेडीज ईशान जानवी हियर ईशान जान ओके सो फार यू आर बीइंग एड्रेस्ड एज स्टार किड्स सो विद द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड विद द लव यू आर गेटिंग do you think that you have moved past the tag of you know being Sridevi and Boni Kapoor's daughter or Shahid's brother? I don't know, ma'am. You tell me. What do you feel about this? I hope so, but I really, speaking for myself, I think I still have a long way to go. I don't think just one film or this success, even though it means the world to me, I think that there's still a lot more that I need to do, that I aspire to do. To earn love and affection and acceptance from people. There's a lot more that I wish to do for myself and I know that I need to do a lot more to earn that. So, but it's a stepping stone. I hope I've gotten somewhere, if nothing.
Ma'am, I'm just happy that people are accepting and loving the characters, and that I've been able to be a part of that, and people are accepting and loving the film. It's the audience's prerogative to label us as they see fit, so I don't have any feelings about that. मैंने तीन बार देखी है मैम, इन्होंने दो बार मैंने दो बार देखी है. Discussions with them? Oh, you will read and hear about it soon enough. Thank you, late note.